तो बर्ड को 10 से 15 दिन तक आप अलग रखें, फिर अपने सेटअप में छोड़ें, तो पूरा का पूरा सेटअप खत्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मार्केट में जो बर्ड आता है, मार्केट का जो बर्ड होगा, जो पेट शॉप वाले हैं, देखिए उनके लिए बर्ड क्या है, वो एक प्रोडक्ट है। उनको क्या करना है, वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की नज़र से देखते हैं। प्रोडक्ट है, इसको हमें अपने ऊपर से एक कुछ प्रॉफिट लेना है, उसको आगे सेल कर देना है, ठीक है। तो वो एक प्रोडक्ट है उनके लिए, वो इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखेंगे कि बर्ड में जो है इन्फेक्शन है या उसका ट्रीटमेंट करें। तो उनके लिए प्रोडक्ट है, वो आगे सेल करने के लिए लेकर आए हैं। और उसके अंदर बर्ड के अंदर जो इन्फेक्शन है वो इसलिए आता है कि मार्केट में जो भी बर्ड होता है वो एक जगह से बर्ड नहीं आता, वो आता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से। बंगाल से बर्ड आता है, कुछ महाराष्ट्र से आया, कुछ चेन्नई से आया, कुछ आपका यहीं यूपी से आया। तो इस तरह से दोस्तों आधा आधा स्टेट से बर्ड आता है, वो एक जगह वो केज में रख देते हैं और सारे बर्ड मिक्स हो जाते हैं, उसमें पता नहीं किस में इन्फेक्शन है। कोई भी ब्रीडर अच्छा बर्ड सेल नहीं करता किसी भी सेलर को, मार्केट वाले को, ठीक है। तो कोई भी बर्ड जो आएगा वो इन्फेक्टेड आएगा, या उसका साइज़ छोटा होगा, या वो जो ब्रीडर होगा वो सेल करेगा अगर अच्छा बर्ड होगा, जो एडल्ट पेयर होगा वो, या तो उसके अंदर कोई फॉल्ट होगा, या वो ब्रीड नहीं कर रहा, या उसके अंदर कोई फॉल्ट है, कमी है, इसलिए वो किसी सेलर को, मार्केट वाले को सेल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो जब मार्केट में बर्ड आ जाता है तो जगह जगह का बर्ड आके उसके अंदर रखा रहता है, और सिर्फ कंगनी, सादा कंगनी खिलाई जाती है वहाँ पर। ना कोई अच्छी डाइट होती है, ना कोई विटामिन, मल्टी विटामिन, ना कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट नहीं दिया जाता है। तो वहाँ पर सिर्फ सादा कंगनी में रखा जाता है, तो बर्ड के अंदर ताकत कहाँ से आएगी। और कुछ बर्ड तो उसमें ही मर जाते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन आता है, मर जाते हैं। ज़्यादा बर्ड होते हैं तो उसमें पता नहीं चलता कि बर्ड कितने मर गए, और उसी में ही वो बर्ड रखे रहते हैं, उसी में से आपको वो बर्ड निकाल के देंगे। तो वो क्या होता है दोस्तों, जो बर्ड मर गया है उसके अंदर इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो ये चीज़ है, अब वही बर्ड आप अपने घर में लेकर आएंगे, अपने सेटअप में लेकर आएंगे, तो वो चीज़ जो है आपके बर्ड में इन्फेक्शन पैदा करेगी, जो है वायरस है वो बुरी तरह से आपके सेटअप के अंदर आएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात और बताऊँगा, जैसे कि आप मार्केट से बर्ड लेते हैं तो मार्केट वालों को क्या होता है दोस्तों, उनको बर्ड के बारे में नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है, वो उसके बारे में नहीं जानते। मैंने क्या बताया कि उनके लिए एक प्रोडक्ट है, वो उनको लाएंगे ख़रीद के, जो ट्रेडर हैं वो आगे बढ़ा देंगे प्रॉफिट रख के। तो उनको नहीं मालूम कि ये बर्ड कौन सी म्यूटेशन है, कौन सी नस्ल है, ये किसके साथ कौन सा पेयर बनाना है, क्या इसका रिज़ल्ट आएगा, इसमें उनको कोई नॉलेज नहीं है। अगर आप उनसे बर्ड ख़रीदते हैं फिर उनसे पूछते हैं तो वो आपको नहीं बताएंगे। आप दोबारा उनके पास कुछ मालूम करने जाते हैं, भाई इसका पेयरिंग गलत है, ये इस तरह को कैसे लगाना है, ये कौन सी नस्ल है, तो वो कुछ नहीं बताने वाले हैं। यही चीज़ अगर आप किसी ब्रीडर से लेते हैं, आप कभी भी ब्रीडर से पूछ सकते हैं कि भाई ये इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी बताएगा, और उनके साथ कौन सी पेयरिंग करनी है या क्या रिज़ल्ट आएगा उसको पूरी नॉलेज रखता है ब्रीडर, के कौन सा बर्ड किसके साथ पेयरिंग करनी है, क्या रिज़ल्ट देगा, वो सब नॉलेज होती है उनके पास, ब्रीडर के पास, क्योंकि वो शौक है, शौक से उनको बर्ड को रखा है, तो उन्होंने सीखा है उसके बारे में। कोई भी ट्रेडर है, कोई भी मार्केट वाला है, वो शौक से बर्ड को नहीं रखता है, और ना वो नॉलेज रखता है जो आपको वो आगे नॉलेज आपकी गेन कर सके, आपको बता सके कोई मार्केट वाला ख़राब है या नहीं है। जो चीज़ फैक्ट है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो आप कस्टमर हैं, जो आप नए फैंसर हैं, ताकि आप लोग जानें, इस चीज़ को सीखें कि हमें कोई चीज़ गलत नहीं मिलनी चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो भी बर्ड का शौक रखते हैं उन आप लोगों को कोई चीज़ गलत ना मिले, जो भी आपको हेल्प करे वो जेन्यून हेल्प करे, सही चीज़ बताए, सही चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि सेटअप में इन्फेक्शन आ गया, या किसी ने कोई बर्ड ख़रीदा वहाँ से, तो उन्होंने मुझे एक कुछ वीडियो क्लिप भेजी है जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने अपनी क्लिप बनाकर भेजी है कि जो उनसे गलती हुई है, तो ये चीज़ आप देखिए। सलमान भाई, मेरे बर्ड मरने की वजह ये थी कि मैंने कुछ बर्ड जो है ना वो बाहर से खरीदी। मेरे कॉलोनी में मेल थोड़े से ज़्यादा थे और फीमेल कम थी, तो मेटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। एक मेल अगर मेटिंग के लिए जाता था तो 10-12 मेल उसके साथ में लग जाते थे, तो मेटिंग नहीं करने देते थे। मैंने सोचा कि मैं फीमेल ले लेता हूँ तो इक्वल हो जाएंगी। आसपास मेरे को कॉलोनी से तो किसी ब्रीडर से नहीं मिली फीमेल, तो मैंने डिसीजन ये लिया कि मैं दिल्ली जामा मस्जिद से लेकर आया, मैं 14 फीमेल लेकर आया, जिसमें कुछ में लूज मोशन था। जब मैं घर लेकर आया तो उसमें लूज मोशन था। मैंने 10 डेज उनको क्वारंटाइन किया, उनका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद मैंने उसको अपनी अवेरी में छोड़ा। मेरी अवेरी में ऑलरेडी ब्रीडिंग चल रही थी, तो उसमें छोड़ने के बाद 5-10 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वापस से फिर 5-10 दिन के बाद में उसमें लूज मोशन होना शुरू हो गया, मेरे बर्ड में भी लूज मोशन शुरू हो गया। मैंने वापस जिस जिसको देखा वो मैंने फिर से सेपरेट कर ली। बट
वो करने के बाद भी मेरी अवेरी में इतना इन्फेक्शन हो गया कि एक हफ्ते के बाद में वो इतनी ज्यादा मतलब फैल गया है कि वो हर रोज 10-15-20 उसमें से मरने लगे। मैं जब प्रॉब्लम में आया मैंने ग्रुप में शेयर किया, ग्रुप में सभी दोस्तों ने मतलब बहुत अच्छे से मतलब मेरे को जानकारी दी है, मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। आसिफ भाई, आसिम पठान, डॉक्टर एनपी सिंह, तौकीर भाई और बहुत सारे, दीपक वर्मा, सब लोगों ने मतलब पर्सनल पे भी मेरे को इन्फॉर्मेशन दी कि भैया ऐसे करना है, ऐसे करना है। सबका रिजल्ट यही था कि वो कॉलोनी चेंज करनी थी, मैंने वो सब बर्ड वहाँ से निकाले, कॉलोनी दूसरी कॉलोनी में डाले, उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट किया। तो मेरे 200 से ज्यादा मेरे उसमें बर्ड्स थे, अब तक वो 150 से ज्यादा मतलब मर चुके हैं। ये मेरी गलती रही, मेरे 3 साल की मेहनत मतलब एक ही हफ्ते में जाया हो गई। तो रीजन यही है कि मैंने गलती की है कि मैंने वहां से शॉप से बर्ड ली है और वो बीमार थी। तो हमने बस सबके लिए मेरा यही सजेशन है कि ये गलती ना करें, अगर जब भी लेना है तो किसी ब्रीडर से ही लें। और शॉप ये मैंने एक शॉप से लिया था बर्ड कॉकटेल, ये अनहेल्दी है, इसका पूरा ये वाला बोन पूरा निकला हुआ है और मुझे अभी ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है इसको, और मेरे से प्राइस भी बहुत ज़्यादा लिया था ये शॉप वालों ने, 4000 का लिया था ये और बोला था कि हेल्दी है, लेकिन हेल्दी नहीं है। जब घर लेके आई तो पता चला मुझे लूज मोशन है इसको, और इसका ये जो बोन है पूरा निकला हुआ है। अभी ट्रीटमेंट से थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, लेकिन चालू है ट्रीटमेंट, देखते हैं आगे क्या होता है। ये बर्ड ला कर रखा था मैंने बाज़ार से ख़रीद के, ये उसका नतीजा है। बाल तो सही है इसके, सिलाइन मोटर से आँख धोई थी मैंने इसकी। तो इस वीडियो के साथ साथ दोस्तों आप सीखिए, अवेयर होइए, और जो भी बर्ड आप ख़रीदना चाहते हैं तो पूरी तरीके से नॉलेज लेके आप बर्ड ख़रीदिए। तो दोस्तों देखिए, किसी ब्रीडर से बर्ड लेना और मार्केट से बर्ड लेने में क्या फ़र्क है, और आप इस वीडियो के ज़रिए से सीखिए, जानिए कि आप लोगों को मैंने अवेयरनेस के लिए ही ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।